हेलो बच्चों, मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित दिए जल उठे पाठ का प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न एक, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट करें। सरदार पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में न्यायालय में आरोपी बनाया गया था। वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। अब जज महोदय दुविधा में पड़ गए। उनके सामने कोई स्पष्ट कानून नहीं था, न ही स्पष्ट स्थितियां थी, इसीलिए उन्हें 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा लग गया। प्रश्न दो, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन की आशय उद्धत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई न कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को उद्घाटित करते हुए पटेल ने गांधी को कहा, मैं जेल में चलता हूँ, अब सरकार आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। प्रश्न तीन, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यहाँ किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर, रास में आयोजित गांधी जी की सभा में दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज भी उपस्थित थे। वे बड़े रियासतदार होते हुए भी रास में रहकर त्यागमय जीवन जी रहे थे, अतः गांधी जी ने उनके संदर्भ में लोगों से कहा, दरबार समुदाय के लोग त्यागी और हिम्मती हैं, आप इनसे त्याग और हिम्मत की शिक्षा लें। प्रश्न चार, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है, कैसे भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उनके स्थान उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तैयब जी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रास के कनकापुर की सभा में जाना था, वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार हो गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दिया आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। प्रश्न पाँच, महीसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, महीसागर नदी के दोनों किनारों पर अभूतपूर्व उत्साह था। हजारों लोग अपने अपने हाथों में दिए लेकर उपस्थित थे। सत्याग्रहियों का समूह नावों पर सवार था। नाव पर चढ़ने से पहले गांधी जी तथा सत्याग्रही घुटनों घुटनों पानी में से चलकर आए थे। नदी के दूसरे तट पर भी यही उत्साहमय दृश्य था। हजारों की भीड़ महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगा रही थी। ऐसा लगता था मानो रात में भी मेला लगा हुआ हो। प्रश्न छः, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा, गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर, इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे,
वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। धन्यवाद बच्चों, हमारे अगले वीडियो में हम कुछ और पाठ देखेंगे। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।